हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको आज मैं बताऊंगा कि ये दाढ़ा जब रिपेयर कराते हैं तो मशीन की स्पीड कम कैसे हो जाती है। मशीन की आवाज़ ठीक करने के लिए दाढ़ा और नली को टाइट कर लिया जाता है। दोस्तों नई नली डाल के या रिपेयर करके दाढ़े को काट के नली को वापस एकदम घस के इसमें एकदम फिक्स कर लिया जाता है दोस्तों। उसकी वजह से ये जो टांग होती है मशीन की दोस्तों ऊपर नीचे होते वक्त थोड़ी सी जाम होती है दोस्तों। जब ये जाम होगी दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि मशीन की स्पीड कम हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये दाढ़ा है और दाढ़े का ये पेच है दोस्तों। ये पेच भी कस लिया जाता है आवाज़ को कम करने के लिए दोस्तों। अब इसको ठीक करने का स्पीड बढ़ाने का तरीका बताऊँगा दोस्तों। ये जो नली है दोस्तों इसमें आप तो पहले होब ऑयल दें, इस तरह से उसको ऊपर नीचे करके इस तरह से एकदम फ्री कर लें। और इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, उस स्प्रिंग का एक हिस्सा और एक और नया स्प्रिंग लेके उसको काट के दूसरा हिस्सा, नया स्प्रिंग और आधा स्प्रिंग डेड स्प्रिंग हो जाएगा दोस्तों, इसमें डाल लें जब आपने रिपेयर कराया हो या ये जाम हो रहा हो दोस्तों। उससे दोस्तों इसके अंदर प्ले अच्छा आ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। दाब बढ़ने से दोस्तों ये आराम से ऊपर नीचे हो पाएगा। मशीन चलते वक्त ऊपर नीचे होने के बाद में अगर फ्री हो जाए तो आप उसको निकाल लें स्प्रिंग को और एक स्प्रिंग डाल दें। अब दोस्तों देखिए कि मशीन के अंदर चाल पत्ती की तरफ तेल डाल रहा हूँ मैं, ऑयलिंग की जा रही है दोस्तों। ऑयलिंग दोस्तों इस चक्री में ज़रूर करें। ये चक्री दोस्तों पत्ती को चलाता है और टांग को भी ये चक्री ले कर चलता है दोस्तों। दोस्तों टांग चक्री और गंडेरी के अंदर तेल डालने के बाद में दोस्तों इस निपल नली के अंदर भी, ब्लॉक नली और निपल नली में दोस्तों। अब आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों कि मैं कहाँ कहाँ मशीन की ऑयलिंग कर रहा हूँ। कुप्पी से इस तरह से बारीक बारीक जगहों पर मैं ऑयल आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, कहाँ कहाँ डालना है। हल्का फुल्का दो दो बूंद, एक एक बूंद ऑयल डालें दोस्तों, जिससे कि मशीन की चलते वक्त स्पीड बनी रहे और पुर्जे भी कम घसे दोस्तों। पुर्जे गर्म होने से भी स्पीड बढ़ती है दोस्तों। पीछे का हिस्सा है दोस्तों दाब नली का, जब ज़्यादा तो ऑयल नहीं डाला जा सकता, आप देख सकते हैं ये पीछे का हिस्सा है, इसमें ऑयल डाल दिया है। और भी इसके अंदर मशीन के अंदर कई पॉइंट हैं जिनमें ऑयल डालने से दोस्तों मशीन बढ़िया चलती है, फुल स्पीड देती है दोस्तों। अब आप देखिए दोस्तों कि मशीन के इन हिस्सों में ऑयल डालने के बाद में सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे, शेयर करें।